हाय एवरीवन, कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग की इस वीडियो सीरीज़ में मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के ऊपर जिसका नाम है इनकोडिंग ऑफ मैसेज। बेसिकली इनकोडिंग ऑफ मैसेज रियल लाइफ में भी यूज़ होता है, जो कि ये क्वेश्चन कोडसेफ से है। तो हम कोडसेफ में ये क्वेश्चन को ओपन करते हैं। अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेक्शन में जाइएगा तो आपको बिगिनर्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, इनकोडिंग मैसेज, जिसका कोड है ENCMSG। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस क्वेश्चन का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप लोग पहले क्या कीजिए, वीडियोस को पॉज कीजिए एंड इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। ठीक है, लिंक ओपन करके अपने खुद के ब्राउजर पे पढ़िए या फिर आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा। मैं आपको इसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन बताऊँ तो बेसिकली आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो या फिर जो शेयर चैट की एप्लीकेशन है आप लोग वो यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो मैसेज एज इट इज़ नहीं पहुंचता है। पहले वो मैसेज जो आप भेजते हैं उसे इनकोड किया जाता है, देन जिसे आप भेजते हैं वो उसे डिकोड करता है और फिर वो उसे पढ़ पाता है। तो उसी दौरान इससे एक छोटा सा हिस्सा उठाया गया है कि मैसेज इनकोडिंग कहने का क्या मतलब है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, एंड नहीं पढ़ा है तो फिर मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझाता हूँ, बेसिकली क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग का क्या है कि हम लोग को मैसेज को इनकोड करना है। जो मैसेज दिया हुआ है, जो स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसको इनकोड करना है। ठीक है, जैसे कि बचपन में फिल्मों में देखा होगा कि रॉ जो एजेंसी है या कोई बड़ी बड़ी एजेंसी रहती है वो एज इट इज़ मैसेज को नहीं भेजती है, वो उसे कुछ दूसरे फॉर्मेट्स में कुछ इनकोड करके भेजती है। ठीक है ना, पहला अब देखो मैसेज को इन्होंने इनकोड किया दो स्टेप में, पहला स्टेप एंड दूसरा स्टेप। पहले हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है कि स्वैप करना है फर्स्ट एंड सेकंड कैरेक्टर को, जो भी स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा आपको उस स्ट्रिंग को असल में इनकोड करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए आपको इनपुट फॉर्मेट में क्या मिल रहा है, आपको इनपुट में टेस्ट केस मिल रहा है टी। ठीक है, दो टेस्ट केस, देन आपको उसमें क्या है कि फिर नंबर ऑफ लेंथ से एन दिया है जो कि लेंथ है इस स्ट्रिंग का, फिर लेंथ दिया है जो कि लेंथ है इस स्ट्रिंग का, और टोटल दो ऐसे टेस्ट केस दिए हुए हम लोगों को। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या दिया गया है कि टेस्ट केस दिया गया है। अब जो स्ट्रिंग दिया गया है उस स्ट्रिंग का जो पहला और दूसरा कैरेक्टर होगा, मतलब कि हर दो कैरेक्टर्स को आपस में इंटरचेंज करना है। अगर लेंथ ऑड आता है तो हर दो तो नहीं हो पाएगा, इट मीन्स कि लास्ट वाला छूट जाएगा, तो लास्ट वाला को हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे। अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझें, मान लो एग्जाम्पल दिया हुआ है शेयर चैट, इसका लेंथ कितना है 9। ठीक है, अब लोग इसको थोड़ा बाइफरकेट करके लिखें तो शेयर चैट ये हम लोग को ईजिली दिख रहा है। अब हर दो कैरेक्टर उसको आपस में हमको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो इंटर और लास्ट कैरेक्टर छूट जाएगा टी, बिकॉज लेंथ यहाँ पे ऑड है। तब क्या होगा, देखिए एस और एच को इंटरचेंज किया, ए और आर को इंटरचेंज किया, सी ई और सी को इंटरचेंज किया, एच और ए को इंटरचेंज किया, और टी को एज इट इज रहने दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, सेफ लेंथ 4 है। ठीक है, इसको थोड़ा बाइफरकेट करके लिखें तो सी एच ई एफ, और हर दो को चेंज करना है। यहाँ एग्जैक्टली चेंज हो जाएगा हर दो, बिकॉज लेंथ जो है इवन है तो कोई भी बचेगा नहीं, तो एच और सी आपस में इंटरचेंज हो गया, ई एफ और ई आपस में इंटरचेंज हो गया। यहाँ तक क्लियर ना। अब इस मैसेज को फिर से दूसरे प्रोसेस में गुजारा गया। ठीक है ना, सेकेंड प्रोसेस क्या कह रहा है, सेकेंड प्रोसेस कह रहा है कि रिप्लेस करो ए को जेड से, बी को वाई से, एंड इस तरह से। सर इसका मतलब क्या हुआ समझ में नहीं आया, तो देखिए ये रहा चार्ट। लाइन से देखिए मैंने लेफ्ट साइड क्या लिखा है, ए से लेके एम तक पूरा लिखा है, फिर एम के बगल में एन, फिर एन से लेके ऊपर तक राइट साइड में जेड चला गया। इट मीन्स कि हर, क्योंकि टोटल कितने सॉरी कैरेक्टर्स होते हैं 26, तो 26/13, इट मीन्स कि कैरेक्टर सेट का पहला और आखिरी लास्ट वाला को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, फिर उससे एक पहले और पीछे से एक पहले उसको आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, फिर आगे से पहला 3 पीछे से पिछला 3 उसको इंटरचेंज कर रहे हैं। तो देखिए ए से जेड, बी से वाई, सी से एक्स, इस तरह से आपस में इंटरचेंज हो रहा है। यहाँ तक क्लियर ना। अब हम लोग बात करें, एग्जांपल लेते हैं शेयर चैट। यहाँ तक क्लियर। अब शेयर चैट में फर्स्ट स्टेप से इसे प्रोसेस से जब गुजारे थे तो ये मिला था हम लोग को। अब उसके बाद क्या है, अगर अब हमको इसको चेंज करना है, अब देखिए एच, एच किससे रिप्लेस होगा चार्ट में, देखिए बगल में एस से, एस किससे होगा एच से, आर किससे होगा आई से, ये रहा। तो ये जो नया हम लोग के पास स्ट्रिंग बनेगा इनकोडेड मैसेज, वो हमारे पास ये रहा। यहाँ तक क्लियर ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कि दूसरा एग्जांपल सेफ था हमारा, उसको फर्स्ट स्टॉप से जब पास किए थे तो हम लोग पास क्या बना था, हम लोग पास बना था एच सी एफ ई। ठीक है, अब जब इसको इससे पास करेंगे तब क्या बनेगा हम लोग पास, एक्स एस एक्स यू वी।
यहाँ तक क्लियर? आई होप गाइस कि आपको चीज़ समझ में आया हो कि वर्क कैसे कर रहा है। नाउ अब ये पहला चीज़ तो हमको समझ में आ रहा है सर कि हम जो है फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि फॉर लूप लगा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप कैसे करेंगे हम लोग? सर हम लोग उसका अल्टरनेट कैरेक्टर पता कैसे लगाए, ठीक है। तो इस पर अगर बात किया जाए तो ये चार्ट देखिए, अब ए को इंडेक्सिंग अगर हम लोग जीरो मानते हैं, ठीक है, तो जेड कितना होता है 25। इस बारे में बात कर रखे हम लोग क्योंकि अगर हम लोग एक एरे में देखें तो जीरो से लेकर 25 तक इंडेक्सिंग में पूरा 26 कैरेक्टर आ जाता है। बी का इंडेक्सिंग अगर 1 है तो वाई का कितना है 24, ठीक है। अब मान लो जो कैरेक्टर है वो है एच, अब इसका हमको अल्टरनेट निकालना है कि वो कैसे निकलेगा। अब इसका हम लोग इंडेक्स निकाल लेंगे, एच का जो ASCII कोड है -97 करने से इंडेक्सिंग निकल जाता है। यहाँ तक क्लियर? नाउ अब इस इंडेक्स में अगर 25 माइनस कर देते हैं, मतलब 25 में अगर इंडेक्स को माइनस कर देते हैं तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो इंडेक्स होगा किसका, एस का। ये आप सोच के देखिए, आपको ये समझ में ईजिली आ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ ए का, ठीक है, अगर ए का इंडेक्सिंग कितना है 0, अब उसका अल्टरनेट कैरेक्टर हम लोग को निकालना है, 25 में से माइनस कर दो क्या बचा 25 के इंडेक्स पर कौन आता है, जेड। अगर बी की बात करें तो बी का इंडेक्सिंग क्या है 1, 25 में से माइनस कर दो, सॉरी पहले जेड की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, जेड की बात करें तो जेड का इंडेक्सिंग कितना है 25 एग्जैक्टली, तो 25 में से माइनस कर दो बचा क्या 0, और 0 पे क्या आता है ए। अगर 1 की बात करें तो 25 - 1 24 एग्जैक्टली, 24 पे क्या मिल रहा है वाई, वेरी गुड। अगर हम लोग को इंडेक्स वैल्यू 24 है तब 25 में से 24 माइनस कर दो, अब क्या बचा 1, तो क्या मिला बी। कुल मिला के समझ में आया, हम लोग इंडेक्सिंग निकाल लेंगे फिर 25 में से माइनस कर देंगे, अब जो आएगा वो उसका अल्टरनेट या फिर उसका अल्टरनेट कैरेक्टर होगा जिस हिसाब से सेकंड जो मेथड दिया हुआ है उसको करने का। और फर्स्ट मेथड को मतलब फर्स्ट टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें तो हम लोग फॉर लूप लगा देंगे हर 2-2 के इंक्रीमेंट के साथ, और जो नंबर रहेगा जो कैरेक्टर रहेगा उसको इंटरचेंज कर देंगे। बातें काफ़ी हो गई, अब कोड पे आते हैं कि कोड करेंगे तब बेसिकली हर कुछ समझ में आता है कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इंटीजर लेते हैं इंट टी, वेरी गुड, क्योंकि टेस्ट केस मिल रहा है वाइल टी माइनस माइनस। अब क्या मिल रहा है इंट एन, जो कि क्या है लेंथ है, अब क्या लेंगे स्ट्रिंग एस, ठीक है। अब इसी स्ट्रिंग को हमको इनकोड करना है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए, अब बेसिकली हम लोग को पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ इनकोडिंग, पहला स्टेप इनकोडिंग का करते हैं। पहला स्टेप अगर हम लोग इनकोडिंग का करेंगे तो हम लोग को उसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को हर अल्टरनेट मतलब कि हर आपस के दो करेक्टर को इंटरचेंज करना था, तो हम लोग क्या करते हैं फॉर लूप लगाते हैं, पहले जो थे चेक करते हैं इफ अगर n की वैल्यू क्या है ऑड है, सॉरी इवन है, ठीक है, अगर ये चीज इवन है तब तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, लास्ट केस कंसिडर नहीं करना है, तब क्या करें हम लोग फॉर लूप लगाएंगे इंट i बराबर 0 करेंगे एंड वॉट i लेस देन n i प्लस प्लस। अब इस पर i प्लस प्लस के बदले हम लोग i प्लस बराबर 2 करेंगे, या फिर ऐसा समझिए i प्लस टू, अभी तक हम लोग आई प्लस वन करते थे, आई प्लस प्लस का मतलब यही होता है, अब आई प्लस टू करेंगे। आई प्लस टू क्यों करेंगे, बिकॉज हम लोग को तो देखिए हम लोग को बेसिकली किस चीज़ से मतलब है, हम लोग का मतलब है कि इंटरचेंज हो जाए, ठीक है, हर दो कैरेक्टर देखना है। यहाँ अगर एस चेक कर लिए फिर ए पे जंप करेंगे, ए चेक कर लिए फिर ई पे करेंगे, ई कर लिए ई और सी को आपस में कर लेंगे फिर एच पे करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कैरेक्टर जेड मानते हैं और उसमें स्टोर कर लेते हैं एस ऑफ आई जो पहला वैल्यू है, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, एस ऑफ आई प्लस वन में क्या चल जाएगा, एस ऑफ आई प्लस वन में चल जाएगा जेड, ठीक है, या फिर इसको ऐसे करते हैं ना, एस ऑफ आई प्लस वन को वैल्यू स्टोर करते हैं एंड एस ऑफ आई में क्या चला जाएगा हम लोग का, एस ऑफ आई में चला जाएगा जेड। ये चीज़ समझ में आया कैसे, जेड में क्या किए हम लोग, जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल लेकर समझाऊं तो जेड में हम लोग क्या किए, एच को स्टोर कर लिए, ठीक है। अब देखिए जेड में जब एच को स्टोर कर लिए
तो जेड में क्या मिल गया हम लोग को, एच, ठीक है। अब क्या है, अब एस ऑफ आई प्लस वन, अब आगे वाला जो वैल्यू है जो एच पोजिशन पे था उसमें क्या रख दिए, एस ऑफ आई, ठीक है, उसमें एस ऑफ आई रख दिए, और फिर एस ऑफ आई में क्या कर दिए, जेड रख दिए, ठीक है। तो पोजिशन इंटरचेंज हो गया, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर ये चीज ऑड रहता तब, ठीक है, ये चीज ऑड रहता तब फॉर इंट आई बराबर जीरो आई लेस देन एन माइनस वन, क्योंकि लास्ट डिजिट तो छोड़ देना है हम लोग को, यहां तक क्लियर। नाउ अब यही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने यहां से यहां तक पहला स्टेप क्रॉस कर लिया। अगर इवन है, अब खुद सोच के देखिए ना, अगर ये चीज इवन है, सॉरी मुझे इसके लूप के बाहर चलना था, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स एल्स पार्ट में जाता हूँ, एल्स, ठीक है, ये चीज हो जाएगा ऑड, यहाँ पेस्ट, ठीक है, ये चीज। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग का फर्स्ट स्टेप ऑफ इनकोडिंग हो गया। अगर इवन है तो जितना बार जितना लेंथ है वहाँ तक हम लोग चल लेंगे, अगर इवन नहीं है तो सर लेस देन क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज आप लोग ऐसे देखिए ना, अगर लेंथ हमारे पास 6 है, ठीक है, तो जो इंडेक्स है वहाँ वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो जो इंडेक्स है वो जाएगा आपके पास 0 से लेके 5 तक, 0 0 1 2 3 4 5 हो गया पेयर, लेकिन यहाँ पे लेस देन एक माइनस ऑन माइनस वन और लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड स्टेज ऑफ इनकोडिंग आते हैं, सेकेंड स्टेज ऑफ इनकोडिंग, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में तो पहले अब हम जो अब जो नया स्ट्रिंग आया, नया स्ट्रिंग को सीधा हम लोग चेंज कर दिए, अब फॉर इंट आई बराबर जीरो, ठीक है, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, अब तो कोई मतलब नहीं है कि ऑड है या इवन, अब तो जो भी कैरेक्टर है उसका करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर से हमको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, कैर सी मानते हैं और सी में हम लोग स्टोर कर लेते हैं एस ऑफ आई। अब इस कैरेक्टर का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इंट एच में क्या करते हैं हम लोग, इंडेक्स निकाल लेते हैं इसका, इंट इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, एस ऑफ आई माइनस ऑफ 97, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जो हमारे पास रिसेंट कैरेक्टर है वो जो हम लोग को चेक करना है, अब उसका और उसी का इंडेक्स वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करते थे, अब एक काम करते हैं ना, इंट मानते हैं रिजल्ट, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है वो क्या है हम लोग को 25 माइनस जो इंडेक्स वैल्यू आया है, सॉरी जो इंडेक्स वैल्यू आया है वो। अब इस इंडेक्स वैल्यू करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या मिलेगा हम लोग को, कैरेक्टर मान लो इसमें क्यू मान लेते हैं, क्यू मत मानो, कैरेक्टर आप वाई मान लो, ठीक है, वाई कैरेक्टर क्या मिलेगा, कैर, अब मैंने चेंज करना सिखाया है कि हम लोग कैसे चेंज करते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी कैरेक्टर मिल गया, अब हम लोग क्या करते हैं, सी आउट, सी आउट वाई, और वाई को हम लोग प्रिंट करा देंगे, लेकिन एंडल मत कीजिएगा, लाइन चेंज करेंगे हमको हम लोग इसके बाद, ठीक है, सी आउट एंडल, इसके बाद हम लोग लाइन चेंज कर देंगे, ठीक है। हम लोगों ने सी का यूज़ नहीं किया, वो यही चीज़ दिखा रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसे कमेंट करते हैं, एंड मतलब बात बराबर है, मैं सी का यूज़ आपको करके दिखा दे रहा हूँ, तो ये तो ऐसा ही बराबर है, सी कर देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। एंड फिर वाई को पहले रिप्लेस कर दिया हम लोग, और फिर जो जैसे जैसे जो करेक्टर अब मिलते गया जो सेकेंड स्टेज होने के बाद, उसको फिर हम लोग क्या किए, सीधा प्रिंट कराते गए, लास्ट में लाइन चेंज कर दिए, सी आउट एंड, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, आई होप कि काश ये प्रोग्राम मेरा रन कर जाए, पेस्ट सबमिट, प्रोग्राम समझ में आया कि दो बार हम लोग इनकोडिंग कैसे किए, पहला स्टेज कुछ और था और सेकंड स्टेज कुछ और था, रॉन्ग आंसर, ओ माय गॉड, तो हम लोगों ने गलती कहाँ करी, आइए हम लोग गलती देखते हैं। नाउ एक देखिए यहाँ पे गलती मिला कि पहला बात तो ये आई बराबर आई प्लस टू होगा, जब हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ किया था, दैट इज ये भी ये चीज़ भी यहाँ पे यही चीज़ होगा, ठीक है, क्योंकि हर आपस के दो नंबर को चेंज करना है, ठीक है, तो पहला फिर तीसरा फिर पांचवा ऐसे पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है। एंड एक जो हम लोगों ने यहाँ सबसे ब्लंडर मिस्टेक क्या कर दी कि देखिए ये तो मिल गया इंडेक्स वैल्यू,
एच का मान लेते हैं कि पहला करेक्टर बी था, मान लो ये सी जो है यहाँ पे सी की वैल्यू मान लो बी है, ठीक है, तो इसका जो इंडेक्स वैल्यू है, इसका जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है, वन। करस्पॉन्डेंस क्या मिलेगा हमको, इंडेक्स वैल्यू क्या मिल जाएगा, वन, यहाँ तक क्लियर। नाउ इसका कैरेक्टर वैल्यू जो हम लोग को मिलेगा वो होता है 98 होगा, एंड इसका जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, वन, यहाँ तक क्लियर, जब इंडेक्स वैल्यू। अब जब 25 से माइनस किए तब क्या मिला, 24। अब हम लोग 24 को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, जो कि गलत है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड में ऐड करना पड़ेगा 97, क्योंकि इसका रेंज तब तो पता चलेगा कि 97 से जब हम लोग माइनस करके इंडेक्स लाए तब जाके हम 97 से प्लस करके फिर उसका वैल्यू पता करेंगे ASCII कोड रियलिटी में क्या है। तो अब जो है, अब इसको जब चेंज करेंगे हम लोग तब ये वैल्यू कुछ और होगा, ठीक है। अब जाके अगर हम लोग इसे प्रिंट करते हैं तब जाके हम लोग चेंज करेंगे तब जाके हम लोग को रियल ASCII कोड मिलेगा जो हम लोग को चाहिए अल्टरनेट का। अब हम लोग इसे प्रिंट करके देखते हैं, पहला चीज़ समझ में आया यहाँ पे कि यहाँ तो एक चीज़ छुटा हुआ था, एंड सेकेंड थिंग इज वॉट कि ये तो हम लोग चेंज कर रहे हैं 24 को, बेसिकली चेंज करना है 24 प्लस 97 को जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा, ठीक है। नाउ कॉपी एंड सबमिट, आई होप कि इस बार सही हो जाए, मतलब कि आपको इसे ध्यान रखना पड़ेगा। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, फिर से हम लोग को कोड सबमिट कर गया, एंड आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा कि हम लोग गलती कहाँ कर रहे थे, कि पहले हम लोग इंडेक्स को रिक्वायर्ड वैल्यू को चेंज नहीं, पहले रिक्वायर्ड वैल्यू फिर 97 जोड़ना भी तो पड़ेगा, क्योंकि रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, रेंज जो हमारे पास होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 97 to 122, ठीक है, जो लोअर केस अल्फाबेट की बात कर रहे हैं हम तो। दैट्स इट गाइस, आज का थोड़ा वीडियो लगता लंबा चला गया, बट कोई बात नहीं, आपको समझ में आया कि हम लोगों ने बेसिकली इस क्वेश्चंस का मतलब क्या था और हम लोग इसे डील कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि और इसमें क्या सुधार हो सकता है, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का मैं जो होमवर्क दूंगा उसे आप, इजी क्वेश्चन है, उतना टफ नहीं है, बट आप लोगों से हो जाएगा, और जिनसे हो जाएगा प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि सर मुझसे हो गया। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।